यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नलनील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता, वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए हैं, सत्य और शील दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए। ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो वो रावण तो क्या संसार रूपी महान अजेय शत्रु को भी जीत सकता है।